प्रतिमा पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के चौक थाना अंतर्गत रेशम कटरा की सकरी गलियों में, जहाँ पर सुबह जो है क्राउन टाइम्स को खबर आई कि यहाँ एक जो है सिलेंडर फट गया है। आइए हम उस जगह पर आपको ले चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ की हकीकत क्या है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस स्मार्ट सिटी की फेहरिस्त में शामिल हो चुका है, लेकिन आज भी लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। खासकर पूर्वांचल की सबसे बड़ी सराफा मंडी रेशम कटरा गोविंदपुरा तथा उसके आसपास की घनी आबादी और सकरी गलियों में सैकड़ों की संख्या में सराफा कारोबारियों के अवैध कारखाने संचालित हो रहे हैं और बनारस का प्रदूषण विभाग कुमकर्णी नींद में सो रहा है। इसी का परिणाम है सराफा कारोबारी छोटे छोटे कमरों में दर्जनों अवैध गैस सिलेंडरों और भट्टियों का धड़ल्ले से उपयोग कर सोने और चांदी के आभूषणों को बनाने और गलाने में जुटे हैं। आए दिन गैस सिलेंडरों के फटने और गलाए के कारखानों से जहरीली गैस निकलने की सूचनाएं आती रहती हैं। लेकिन आसपास के लोग सराफा कारोबार से जुड़े हैं, लिहाजा कोई विरोध नहीं करता। ताजा मामला रेशम कटरा के सराफा कारोबारी सुधीर जायसवाल के कारखाने का है। दिन दहाड़े हुए विस्फोट में कारोबारी का बेटा और भांजा बुरी तरह झुलस गया। विस्फोट की घटना होते ही जिसकी सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई। क्राउन टाइम्स से जब इस पूरे मामले की पड़ताल किया तो मौके पर सराफा कारोबारियों ने कुछ भी बोलने से बचते रहे। ज्यादा कुरीदने पर कुछ सराफा कारोबारी दबी आवाज में बोले कि दुकान में पंचायती तौल और टंच का काम होता है, बैटरी फटने से हादसा हुआ। देखिए क्या कहना है स्थानीय नागरिकों का। आइए यहाँ मौजूद हम जो है एक दुकानदार से जानते हैं कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था। सुबह 9:50 पर एक बैग धमाका टाइप हुआ, वो धमाका केवल बैटरी फटने की वजह से हुआ रहा, ऐसी कोई बात नहीं, सिलेंडर नहीं फटा। यहाँ पर इन्वर्टर फट गया, इसके कटरा बंद था इसलिए कोई जानकारी नहीं हुआ। जिसका बैटरी जिसके दुकान फटा है उनके केवल हल्का सा, उनके बच्चों का क्षतिग्रस्त हुआ है, उनका हल्का सा झुलस गया है बस, और कोई बात नहीं। अगल बगल क्षतिग्रस्त हुआ है ऐसी कोई बात नहीं है। जब सिलेंडर फटता था पूरी बिल्डिंग उड़ती, इसमें आग लग जाती है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। हर आदमी अपना दुकान खोल के सही हो रहा है, फिट कर रहा है, और क्या बात है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उनके दुकान में जो है वो रहते भी थे? नहीं, रहते नहीं थे, वो सुबह जल्दी आकर साफ सफाई कर रहे थे, उनका बेटा लोग साफ सफाई कर रहे थे। इसी पीरियड में वो उनका बैटरी इन्वर्टर बोर्ड विस्फोट हो गया गर्मी की वजह से, तो उसमें क्या आवाज है। वो किस तरीके का काम करते हैं? वो उनका पंचायती तौल काम होता है भाई। पंचायती तौल और टंच में जो है बैटरी का क्या काम है? अरे बैटरी इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर बैटरी है, और क्या है। अभी आपने जो ये बताया कि ये कुएं के पास कुछ हुआ है, गैस की वजह से ही सब हुआ है, और कुछ नहीं है। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी की वजह से ही सब हुआ है, और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ताला बंद हो गया है, बैटरी ब्लास्ट हो गया है, मेरा चिटक गया है, उसी के गैस से शटर चिटक गया। दुकान आप देखिए ना, वह आप देख सकते हैं, बैटरी देखिए नीचे, बैटरी ब्लास्ट कर गया है, और उसके गैस से, गैस की वजह से शटर बाहर चिटक गया, वही है, एक बैटरी और फटा है, वो बंद हो गया है, फट गया है मेरे दुकान का और सामने का, जो कि सामने एक लड़का जल गया है, तो उसी की वजह से इसमें गैस बना हुआ था, गैस बन के बाहर फेंक दिया है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा है कि हम लोग का दो साल से कारीगरी बहुत ख़राब है, हम लोग खेले बिना मर रहे हैं। अब 50,000 कहाँ से लगाएं, 50-60,000 का खर्चा आ गया है, और इसी से अगर कोई दिला दे तो बन जाए तो मेरा हो जाए, तो बात है ये। योगेश मिश्रा स्थानीय निवासी, यही मेरा मकान है, और ये बहुत ही जो है हादसा बहुत बड़ा होने से बच गया, लेकिन फिर भी क्षतिग्रस्त हुई है 3-4 दुकानें अंदर जो है। हुआ यूँ था कि यहाँ पे जो है शॉर्ट सर्किट से, ऐसे किसी ने देखा तो नहीं प्रत्यक्षदर्शी, क्योंकि जो दो बच्चे थे वो जो है इंजर्ड हैं इस समय कबीर चौरा हॉस्पिटल में, तो वही जो भी हो सकता है बता सकते हैं कि क्या हुआ था, कैसे दुर्घटना घटी। बट सुनने में आ रहा है कि जो है बैटरी जो है इन्वर्टर की, उसके फटने से ये हादसा हुआ है। बैटरी फटी है, उसके धमक से जो है और भी 2-3 दुकानें जो है इंजर्ड क्षतिग्रस्त हुए हैं, और उसके साथ साथ एक आग गैस की टंकी भी जो है डैमेज हुई है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि कुएं का गैस जो था वो भी ब्लास्ट हुआ है। धुएं का? कुएं का? नहीं 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 यार, कुआ का ऐसा कुछ नहीं है, दिखा भी रहे हैं उसमें फट चुका है। वो धमक से केवल जो है ऐसा कोई बात नहीं है,
कुएं के गैस की वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सूचना आ रही थी कि सिलेंडर फट गया है, तो ऐसा कुछ है कि नहीं? सिलेंडर वो इन्वर्टर की बैटरी की मशीन जो है, बैटरी फटी बस जो है, सिलेंडर फटता था, आग लग जाता। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जैसा कि यहाँ पे स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यहाँ पर पंचायती तौल और टंच का काम होता है। इस पूरे मामले की पड़ताल के दौरान कुछ सराफा कारोबारियों ने विस्फोट की घटना की खबर को रोकने के लिए विरोध भी किया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जिला प्रशासन इसकी पड़ताल किया तो सैकड़ों सराफा कारोबारियों के गलाई कारखानों पर ताले लटक जाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन सारे कारखानों के संचालित करने के बदले प्रदूषण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की जेब हर महीने गर्म होती है। शायद यही कारण है कि सराफा कारोबारी के यहाँ विस्फोट के बाद मीडिया की हलचल से कुछ कारोबारी गुस्से में हैं। दर्शक को क्या दिखाना? आप मुझे क्यों रोक रहे? मेरा काम से क्यों रोक रहे हैं, मुझे ये बताइए। नहीं नहीं, कौन सा काम है यहाँ पे, कौन सा काम है बताइए। तो सामने आके आप बताइए ना कि क्या हो रहा है, बताइए। आप लोगों से आगे पूछा तो गया, आप लोगों ने एक बार भी बताया? यहाँ पे जो है कोई हादसा हो जाएगा कभी तो इसका जिम्मेदार आप लोग होंगे, ये बताइए। आपको बताया गया इन्वर्टर फट गया। यहाँ पे काम किस चीज का होता है, किस चीज का काम होता है बताइए? इन्वर्टर का काम होता है, इन्वर्टर बैटरी बनाई जाती है। बताइए, अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे। इन्वर्टर बैटरी का काम होता है यहाँ पे, अंदर जाइए देख लीजिए। इन्वर्टर बैटरी का काम होता है यहाँ पर। हमसे काहे पूछ रही हैं? आप ही तो आके उलझ रहे हैं, तो पूछो उनसे। आपके माता, आपको मना किया गया, मत जाइए अंदर, मत जाइए अंदर। क्यों ना रहता है अंदर, जाए क्यों नहीं? जाइए, जो मन करे वो करिए। तब अपना काम करिए फिर, आप मुझे अपना काम करने दीजिए। कुल मिलाकर रेशम कटरा में सराफा कारोबारी के यहाँ हुए विस्फोट में झुलसे हुए का इलाज वाराणसी के शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में हो रहा है। अब देखना है वाराणसी के प्रदूषण विभाग कब तक इन सराफा कारोबारियों के अवैध कारखानों को बंद कराने में कामयाब होता है। एक मिनट, इनका बच्चा है ना? ये बता सकते हैं? हाँ, बता रहे मैडम। मेरा नाम सुधीर कुमार है, कभी चौरा निवासी हीरापुरा में मेरा मकान है, रेशम कटरा में मेरी टंच की दुकान है। एक टंच करते हैं 40 रुपया मिलता है मैडम। मैं कैंसर पेशेंट हूँ, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल से मेरा इलाज चल रहा है। KB 56472 मेरा फाइल नंबर है। बच्चे को सुबह भेजें, खेल कूद के आए, हम ले जा बेटा पैसा लेके आए। एक हफ्ता से मेरी तबीयत खराब चल रही है, मेरे पास एक ही औलाद है, अब वही मेरा समझता है, वही गया तो सोचा सफाई फाई कर दें, पापा कहीं आएंगे तो आएंगे, नहीं तो पैसा लेके जाएंगे। अब वो दुकान खोलने के बाद लकड़ी का पटरा है, एक छोटी स्टूल है, वो निकाल रहा था, बस मेरे कान में इतना ही बोला वो अभी अस्पताल के अंदर कि पापा जैसे लगा आग का थपेला लगा। उसके बाद वो वहाँ गिरा, किस तरह होश संभाला और फिर वो मंदिर के पास आया। छोटा भाई है मेरा, यही दुकान है उसकी, ये मेरे जितने मराठी भाई लोग हैं वो मेरे जितने वहाँ दुकानदार हैं सब लोग आए, दौड़ के मेरे बच्चों को लेकर आए, सिर्फ बोले जल्दी से तू अस्पताल आ जा, तेरा बेटा का एक्सीडेंट हो गया। मैं दुकान गया नहीं, मेरी दुकान की क्या स्थिति है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना ही है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। और क्राउन टाइम्स की खबरों को फिर आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्राउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।